कहते हैं जभी हम सारे छोटी सी बूंद धरती सागर से कहीं गहरी है आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है आकाश बहुत ऊंचा है बज गए और पापा अभी तक नहीं आए वाह दादाजी आप अखबार पढ़ने में लगे और पापा अभी तक आए नहीं बस आता ही होगा वो तो आज तुम सबको टेलीस्कोप की दुनिया में ले जाने वाला है ना मुझे नहीं लगता वो अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे आप उन्हें फोन क्यों नहीं करते दादाजी बेटे आता ही होगा लो फोन आ गया लगता है पापा का होगा उसी का होगा हेलो हेलो उसका मैं अंतरिक्ष क्या हुआ अंकल आए देखो शॉक ट्रीटमेंट मत दो अंतरिक्ष मतलब मैं समझी पापा का फोन था ओ तो अंकल अभी तक नहीं आए कहीं प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं एक मिनट लगता है पापा आ गए होल्ड करो हाँ मतलब तुम ले आओ अंदर आओ उल्का अंकल आ गए कहाँ आए कब से तो इंतजार कर रहे आओ बैठते हैं आओ बेटा बैठो बेटे मायूस क्यों होती हो तुम्हारे पापा आते ही होंगे लो घंटी बजी हाँ। दादाजी अब आप ही देखिए मेरा तो लक ही खराब है अच्छा मैं ही जाता हूँ बेटे मैं ही जाता हूँ ओ माय गॉड अंतरिक्ष अभी तक टंगा है हेलो अंतरिक्ष कौन है भाई नमस्कार ये साहब ने भेजा है साहब कहाँ है ऑफिस में अच्छा नमस्कार नमस्कार दादाजी कोई आया नहीं बेटा तुम्हारे पापा के दफ्तर का चपरासी ये वीडियो कैसेट दे गया है जिस पर लिखा है द वर्ल्ड ऑफ टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप की दुनिया टेलीस्कोप अब आएगा मजा कौन आ गया भाजी वाली होगी भाजी वाली अंतरिक्ष होगा आओ आओ बस तुम्हारा ही इंतजार था अंकल नहीं यार नहीं पापा ने एक कैसेट भेजा है आओ चलो देखते हैं अच्छा कैसेट आओ आओ बैठो अंतरिक्ष में उधर बैठ जाओ उल्का अब टीवी चालू करो ना अच्छा अच्छा करती हूँ उल्का बेटे वाह दादाजी पापा ने तो कमाल कर दिया अरे वाह अंकल ने तो एकदम फिल्मी एंट्री ली हाँ अंकल ने अपना प्रॉमिस पूरा करके दिखाया है ना देखो तो सही प्रॉमिस पूरा भी किया है या आगे कैसेट खाली है ओह यस इस कैसेट को खास तुम सब के लिए मैंने डॉक्टर जयंत नार्लिकर के पास से मंगवाया है डॉक्टर नार्लिकर जो कि TIFR में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं तुम्हें टेलीस्कोप की दुनिया की सारी जानकारी देंगे वैसे बेटे तुम्हारा ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं भी अपना काम खत्म करके तुम लोगों के पास पहुंच जाऊंगा ओके
टेलीस्कोप की कहानी शुरू होती है 17वीं सदी के प्रारंभ में। गैलीलियो संसार का पहला होशियार व्यक्ति था जिसने टेलीस्कोप के महत्व को जाना। जैसा कि तुम जानते हो, गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के लिए लेंस का इस्तेमाल किया था और उसकी सहायता से चांद और तारों को देखा। यहाँ देखो, मैं प्रकाश किरणों को इस कागज पर लेंस की सहायता से केंद्रित करता हूँ। कुछ ही देर में इन किरणों की गर्माहट से यह कागज जलने लगेगा। टेलीस्कोप में ऐसा ही होता है। दूर के धुंधले तारों से और ग्रहों से जो प्रकाश किरणें आती हैं, उन्हें हम लेंस की मदद से उसी तरह केंद्रित करके उनके चमकदार बिंब बनाते हैं और तब उन्हें अच्छी तरह से देख पाते हैं। समय के साथ टेलीस्कोप की बनावट में परिवर्तन आते गए। कुछ तो इतने लंबे बने कि उन्हें सहारा देने के लिए खंभों की सहायता लेनी पड़ी। हेवेलियस नामक खगोल शास्त्री का टेलीस्कोप तो लगभग 50 मीटर लंबा था। लंबे टेलीस्कोप बनाने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि प्रतिबिंब स्पष्ट बने। सन 1666 में सर आइजक न्यूटन ने पहली बार ऐसे टेलीस्कोप का निर्माण किया जिसमें लेंस की जगह दर्पण का उपयोग हुआ। दर्पण का शीशा वक्र गोलाकार होता है और प्रकाश किरणों को परावर्तित कर केंद्रित कर देता है। दर्पण का सबसे बड़ा फायदा यह था कि तारों के प्रतिबिंबों में रंगीन किनारे नहीं बनते थे जो लेंस द्वारा प्रकाश के बिखरने के कारण बना करते थे। यह तो तुम जानते हो कि प्रकाश 7 इंद्रधनुषी रंगों से बना हुआ है। लेंस से गुजरते समय लाल किरणें सबसे कम एवं नीली बैगनी किरणें सर्वाधिक मुड़ती हैं। इसी वजह से बिंबों में रंगीन किनारे आ जाते हैं। सन 1757 और 58 में एक के बजाय दो लेंसों का इस्तेमाल करके चेस्टर मूर हॉल और जॉन डोलन ने इस प्रकार के जुड़वां लेंस बनाए। इसके बाद इंग्लैंड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप हर्शल ने बनाया। यह जो टाई मैं पहने हूँ, यह लंदन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की टाई है। इस पर हर्शल के टेलीस्कोप की डिजाइन बनी हुई है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? हेलो पापा। हेलो, हेलो। आप कब आ गए? कितना इंतजार करवाया? अंकल, आप टीवी पर बड़े स्मार्ट लग रहे थे। थैंक यू बेटे, थैंक यू। हाँ तो भाई, तुम लोग कहाँ तक पहुँचे? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पर। गुड, उनका टेलीविजन बंद ही रहने दो। और हाँ, अब समझो टेलीस्कोप की महत्ता को। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने फनल देखा है? पानी? पानी क्या होता है? कुप्पी, जिससे स्टोव में तेल डालते हैं। और परख नली? मार्किली। परख नली क्या होती है? टेस्ट ट्यूब। ओह। अच्छा रश्मि, मान लो तुम लोग बरसते हुए पानी में टेस्ट ट्यूब हाथ में लिए खड़े हो, तो उसमें कुछ ना कुछ पानी तो इकट्ठा जरूर होगा। हाँ। परंतु परख नली के मुंह पर अगर कीप रख दी जाए तो पानी और ज्यादा इकट्ठा होगा। अब बताओ कारण? कीप का चौड़ा मुंह। बिल्कुल ठीक, कीप का चौड़ा मुंह। लेकिन पापा, फनल और पानी का टेलीस्कोप से क्या वास्ता? हाँ अंकल, आप हमें टेलीस्कोप के बारे में बताइए। फनल वनल का हमें सब पता है। अच्छा। अरे भाई, मैं उसी पर आ रहा हूँ। बड़ा टेलीस्कोप दरअसल फनल की तरह ही काम करता है। वो जितना अधिक प्रकाश इकट्ठा करेगा
उतनी ही अधिक तारों के बारे में जानकारी हमें हासिल होगी। और हाँ, यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी वेधशालाएं ऐसे ही टेलीस्कोप इस्तेमाल करती हैं जिनके दर्पण बड़े बड़े और दैत्याकार होते हैं। ये टेलीस्कोप मीलों दूर स्थित तारों और ग्रहों के चित्र खींच सकते हैं। तारों के चित्र साफ साफ खींचने के लिए खगोल शास्त्रियों को कई कई घंटे तक फिल्म एक्सपोज करनी पड़ती है। लेकिन अंकल। हाँ बेटे। हमारी पृथ्वी तो अपनी दूरी पर घूमती रहती है, तो फिर हमें चांद तारे भी घूमते नजर आने चाहिए। हाँ अंकल, तो बताइए अब हम उनका चित्र कैसे खींच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर खींचना मुश्किल है। You are right, बेटे। यही वजह है कि इस मुश्किल को आसान करने के लिए टेलीस्कोप को घूमती हुई पृथ्वी के उल्टी दिशा की ओर घुमाते हैं। समझ में आया? अब बेटे अब जरा टीवी ऑन करो। आप भी आके बैठिए ना। आओ बेटे। देखा तुमने, इस तरह टेलीस्कोप एक ही तारे पर स्थिर रह के उसके चित्र खींचता रहता है। विश्व का मशहूर हेल टेलीस्कोप, जिसका व्यास 5 मीटर है, अमेरिका की पैलोमार पहाड़ी पर स्थित है। आइए उसका चित्र देखें। लाइट्स ऑफ प्लीज। इस टेलीस्कोप की योजना 1917 में जॉर्ज हेल ने बनाई थी। ...1934 में 5 मीटर के व्यास वाले पैराबोला के आकार में शीशे की ढलाई करके इस टेलीस्कोप का निर्माण हुआ था। इस शीशे की बारीकी से घिसाई करने में 11 साल लगे थे। लगभग 15 टन इसका भार था और पूरे टेलीस्कोप का वजन था लगभग 500 टन। दूसरे महायुद्ध के बाद बनी यह सबसे विशाल दूरबीन मानी जाती थी। फिर तकनीक और आगे बढ़ी और नए प्रकार के टेलीस्कोप बनने लगे। 1979 में 6 मीटर व्यास का रूसी टेलीस्कोप भी तैयार हुआ। दक्षिण गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सहयोग से बना था। 4 मीटर दर्पण वाले अमेरिकी टेलीस्कोप का निर्माण दक्षिण अमेरिका में इसके पहले ही हो चुका था। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पूरा फायदा उठा रहे थे। लाइट्स ऑन प्लीज। बड़े दर्पण बनाना आसान काम नहीं है। बहुत बड़े दर्पण का भार संभालना मुश्किल है और उस पर नियंत्रण रखना और भी मुश्किल होता है। फिर जैसे जैसे तापमान बदलते जाते हैं, दर्पण के आकार भी बदलते हैं और उनमें डिफॉर्मेशन यानी त्रुटियां आ जाती हैं। चलो देखते हैं इस पर भी क्या उपाय है। अब एक बड़े दर्पण के बजाय कई छोटे छोटे दर्पण लगाकर उनसे अलग अलग बीम बनाकर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं। इस नई तकनीक के द्वारा MMT यानी मल्टी मिरर टेलीस्कोप बना है, जिसमें इस तरह के 6 दर्पण लगे हैं। भविष्य में बनने वाले विशाल टेलीस्कोप इसी तरह की नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि 16 मीटर का टेलीस्कोप जो संसार का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनेगा। तो भाई ये थी कहानी टेलीस्कोपों की। अब थोड़ी देर के लिए हम टेलीविजन बंद करते हैं। अंकल एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटे। क्या हमारे देश में ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं है जिससे हम चांद तारों को आसानी से देख सके? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बेटे। देखें डॉक्टर नार्लिकर आगे क्या कहते हैं।
अब तक तुम परदेशी दूरबीनों की कहानी सुन रहे थे, आओ अब जरा भारतीय दूरबीनों की भी कुछ जानकारी लें। हमारे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वेणु बापू ने एक बड़ी दूरबीन की परियोजना बनाई थी, जो अब कावलूर पहाड़ी पर बंगलोर और मद्रास के बीच में बन चुकी है। इस दूरबीन की कुछ जानकारी अब हम कावलूर वेधशाला के निदेशक डॉक्टर भट्टाचार्य से सुनेंगे। देश में पहली बार इतना बड़ा टेलीस्कोप बन रहा था और उसके लिए बहुत लंबी योजना और तैयारी करनी पड़ी थी। सबसे पहले हम ऑप्टिक्स का उदाहरण लेंगे। इसके दर्पण का व्यास 92 इंच है और 4.5 टन के इस कांच को घिसने में 4 वर्ष लग गए थे। यह घिसाई का काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, मानो 50 किलोमीटर के समतल मैदान में मात्र 1 मिलीमीटर का उतार चढ़ाव हो। एक 125 टन भार वाले टेलीस्कोप को आकाश की ओर इस तत्परता से घुमाते हैं कि जैसे घड़ी की सुइयां बगैर आवाज के चल रही हों। इतने बड़े टेलीस्कोप को आकाश की ओर घुमाने के लिए कंप्यूटर की मदद ली जाती है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर से तारे, ग्रह आदि के चित्र खींचने में भी मदद ली जाती है। यहाँ पर हमने कॉमेट हेले का चित्र कंप्यूटर लगे टेलीस्कोप द्वारा खींचा। कॉमेट का प्रत्येक भाग बारीकी से दर्शाया गया है। इसका इतना सूक्ष्म अध्ययन बगैर कंप्यूटर की मदद से संभव नहीं था। इस टेलीस्कोप को 21 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग में रखा गया है, जो 250 टन के घूमने वाले अर्धगोलाकार गुंबद से ढकी है। Methods of astronomy has changed considerably over the past 200 years. पिछले 200 वर्षों में खगोल विज्ञान की पद्धति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहले हम उन तारों का अध्ययन करते थे जो पृथ्वी के करीब हैं और ज्यादा चमकीले हैं, जिनके लिए छोटे टेलीस्कोपों से आसानी से काम चल जाया करता था। आज खगोल शास्त्रियों को ऐसे तारों का अध्ययन करना पड़ता है जो पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं, और उनके अध्ययन के लिए सिर्फ टेलीस्कोप ही नहीं बल्कि कंप्यूटर की भी मदद ली जाती है। तो यह रही कावलूर के वेणु बापू टेलीस्कोप की कहानी। अब हम चलते हैं रंगपुर, जहां एक दूसरी वेधशाला है जिसकी जानकारी हमें डॉक्टर अभ्यंकर देंगे। यह हैदराबाद की निजामी ऑब्जर्वेटरी है और यहां के एक नवाब जफर जंग साहब के पास जो 15 इंच की दूरबीन थी वो उन्होंने निजाम को दी और उससे निजाम ने ये निजामे ऑब्जर्वेटरी 1908 में बनाई। उस वक्त ये ऑब्जर्वेटरी के चारों ओर घना जंगल था क्योंकि ये शहर से काफ़ी दूर थी। पिछले 70-80 साल में शहर इतना बढ़ गया है कि ऑब्जर्वेटरी के चारों ओर काफ़ी मकान हो गए हैं और उन मकानों के जो लाइट है उसके वजह से आकाश में भी काफ़ी रोशनी दिखाई पड़ती है और इसके वजह से मंद और जो दूर के तारे होते हैं उनको देखना मुश्किल हो गया है और इसलिए यह तय किया गया कि यहाँ से दूर चला जाए और एक साइट सर्वे के बाद एक जगह जापाल रंगापुर चुनी गई। ये हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर नागार्जुन सागर रोड पे है। अब हम लोग वहाँ जाके वहाँ की दूरबीन देखेंगे। ये ऑब्जर्वेटरी की जगह चुनने के लिए 1960-61 में हमने हैदराबाद के चारों तरफ 30-40 किलोमीटर के इलाके में साइट सर्वे किया था। शहर के रोशनी से दूर तो जाना ही था लेकिन इसके सिवाय हमको ऐसी जगह ढूंढनी थी
जहाँ कम से कम बादल हो, वातावरण साफ हो और हवा में कम से कम हलचल हो। ये यहाँ की 48 इंच की दूरबीन है। ये भारत में दूसरी सबसे बड़ी दूरबीन मानी जाती है। ये 1968 में यहाँ बिठाई गई। उसके पहले ये इमारत और गुंबद बनाया गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट की शुरुआत 1960 में साइट सर्वे का प्रोग्राम चालू हुआ तभी हुई। हमने एक 4 इंच की दूरबीन हैदराबाद के बेगमपेट ऑब्जर्वेटरी में रखी और दूसरी वैसी ही दूरबीन जहाँ हमको साइट सिलेक्शन करना था वहाँ रखी, और दोनों दूरबीनों में से हमने ध्रुव तारे को एक साथ देखा। वातावरण यदि पूर्ण तरह से शांत और बिना हलचल का हो तो दूरबीन में तारे का बिंब बिल्कुल एक बिंदु जैसा और स्थिर दिखेगा, और टेलीस्कोप को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस किया जाए तो वो बिंब के चारों ओर हमको 4 या 5 वलय दिखेंगे, और हलचल बढ़ती गई तो एक एक वलय अदृश्य होता जाएगा, और हलचल बहुत ही हो गई तो पूरे वलय अदृश्य होके हमको तारे का बिंब ऐसा बड़ा हुआ दिखेगा।